तो भैया कैसे हैं? उम्मीद है कि कोरोना काल में बढ़िया ही होंगे। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे कि अगर आप VI का सिम यूज कर रहे हैं और उसमें इंटरनेट चलाते रहते हैं तो जैसे कि किसी का कॉल आता है तो आपका इंटरनेट बंद हो जाता है। तो आज हम आपको वही बताएंगे कि उसको कैसे ठीक कीजिएगा। चलिए भैया, सबसे पहले आपको हम प्रूफ दिखा देते हैं। देखिए सिम कार्ड में, ये देखिए मेरा इंटरनेट सेलेक्ट किया हुआ है, VI का सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, नेट ऑन है। देख लीजिए, यहाँ से भी आपको दिखा देते हैं, VI का ऑन किया हुआ है ना। अब आपको कॉल करके दिखा देते हैं। देखिए कॉल किए, नेट नहीं कटेगा। सिम वन में मेरा VI का लगा हुआ, कॉल कर दिए, नेट नहीं कट रहा। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको आप भी यूज कर सकते हैं। तो भैया, आप भी चाहते हैं कि आपका इंटरनेट चलते रहे और कॉल आए तो आपका इंटरनेट नहीं कटे, तो उसका सेटिंग क्या है? तो उसका सेटिंग कुछ नहीं है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारा फेक वीडियो मिल जाएगा जिसमें बताएगा कि APN में सेटिंग ये कीजिए वो कीजिए तो आपका कॉल आएगा तो इंटरनेट नहीं कटेगा VI का सिम में। ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ VI का सिम में जाके यूज वोल्टी को इनेबल कर दीजिएगा और आपको कोई सेटिंग नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ 198 पे कॉल कर दीजिएगा, 198 पे कॉल कर दीजिएगा और उनको बोलिएगा कि मेरा वोल्टी एक्टिवेट नहीं है, जो एक्टिवेट कर दीजिएगा। तो कस्टमर क्या करेंगे, आपका रिक्वेस्ट ले लेंगे और वो 24 घंटा का टाइम देंगे और आपका 24 घंटा के अंदर में ये एक्टिवेट कर देगा और फिर उसके बाद आप वोल्टी यूज करने लगी। आप लोग को लग रहा होगा कि फेक वीडियो है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, फेक वीडियो एकदम नहीं है, 100% सही वीडियो है। तो चलिए भैया, अगला वीडियो में मिलते हैं। और एक गलती हो गया कि हम कस्टमर केयर का रिकॉर्डिंग नहीं रख पाए, रिकॉर्डिंग रख के आप लोग को सुना देते तो ज़्यादा विश्वास हो जाता। ऐसे नहीं तो आप 198 पे कॉल करके आप खुद आजमा लीजिए। अब जब एक्टिवेट हो जाए तब कमेंट आके कर दीजिएगा, पहले वीडियो देख लीजिएगा फिर तब बाद में आके कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। तो चलिए भैया, अगला वीडियो में मिलते हैं।